हेलो फ्रेंड्स, 23 मई की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 16 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है सोशल बॉयकॉट फॉर ट्रिपल तलाक। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अब एक रेजोल्यूशन पास किया है कि जो मुस्लिम्स इंस्टेंट ट्रिपल तलाक लेंगे और ट्रिपल तलाक को मिसयूज करेंगे, उनको सोशली बॉयकॉट किया जाएगा। और ये रेजोल्यूशन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखा है और वो कह रहे हैं कि मुस्लिम बॉडी इंटरनली रिफॉर्म्स लाएगी और एक्सटर्नल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, मतलब गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। तो ये एक पॉइंट रखी जा रही है। फिर अगला न्यूज आइटम है एक्स कोल सेक्रेटरी गेट्स 2 इयर्स इन जेल। तो ये कोल स्कैम के बारे में 3 दिन पहले था न्यूज में कि कोल सेक्रेटरी को दिल्ली में दिल्ली सीबीआई कोर्ट ने यहाँ पे उनको कन्विक्ट ठहराया था। ही वाज कन्विक्टेड। अब उनको सेंटेंस भी दिया गया, 2 ईयर जेल टर्म दिया गया है, इवन बेल भी दिया गया है ताकि वो अपील करना चाहते तो कर सके। तो ही हैज बीन चार्ज्ड कन्विक्टेड फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, चीटिंग अंडर इंडियन पिनल कोड और करप्शन अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो ये पूरा कोल स्कैम हमने पहले भी डिस्कस किया था, यहाँ पे भी पूरा डिटेल में दिया गया है। तो ये कोल सेक्रेटरी वॉज मिस्टर एच सी गुप्ता और कोल मिनिस्ट्री तब प्राइम मिनिस्टर देन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के अंदर थी। तो ये कोल ब्लॉक अलोकेशन स्कैम लाया गया था सामने थ्रू कैग ऑडिट। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने जो ऑडिट किया था उसमें उन्होंने कहा कि ये अलोकेशन जो किया गया कोल ब्लॉक्स का ये इनएफिशिएंट है, सारा स्क्रीनिंग भी सही से नहीं किया गया था, फुल डिस्क्रिशन पावर यूज किया गया था इन अलोकेशन। जो प्राइवेट कंपनी पीएसयू को अलोकेट किया गया था तो ये डिस्क्रिशनरी पावर यूज करके किया गया था, जिस वजह से गवर्नमेंट एक्सचेकर को ह्यूज लॉस हुआ, कंट्री के एक्सचेकर को, प्लस इन जो अलॉटीज थे जिनको अलॉट किया गया उनको बहुत सारा फायदा हुआ, अराउंड 1.86 लाख करोड़ का फायदा हुआ। अगर यहाँ पे बिडिंग की जाती, ऑक्शन किया जाता तो ये बेनिफिट गवर्नमेंट को होता। तो ये पॉइंट रखी गई है सामने कैग ऑडिट। उसके बाद सीबीआई केस भी इनिशिएट हुआ है, तो सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने भी कंप्लेंट रजिस्टर किया और यहाँ पे फिर इसके ऊपर इवन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि अगर वो गिल्टी पाए गए तो वो पब्लिक लाइफ को क्विट कर देंगे। पर प्रेजेंटली सीबीआई कोर्ट ने भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह अगेंस्ट कन्विक्शन नहीं है, ही इज बीन गिवन अ क्लीन चिट। तो अब इस केस के ऊपर सीबीआई ने भी केस रजिस्टर किया है, प्लस सुप्रीम कोर्ट में भी पीआईएल फाइल किया गया था कि जो 194 कोल ब्लॉक्स अलोकेट किए गए, ये टाइम फ्रेम था 2004 टू 2009 के बीच में, जो कैग ऑडिट भी आया, तो इन टाइम फ्रेम में जो कोल ब्लॉक्स अलोकेट किए गए उनको कैंसिल करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में किया। मोर देन 994 अराउंड 214 कोल ब्लॉक्स अलोकेशन को क्वेश किया गया, कैंसिल किया गया। तो उसके बाद ये केस चल रहा है और सीबीआई कोर्ट ने अभी कन्विक्शन और सेंटेंस सुनाया। फिर अगला न्यूज आइटम है एनजीटी आस्क फॉर डेटा ऑन ट्रीज नियर ताजमहल। तो ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, तो ये जो ताजमहल के अराउंड जो रीजन है इसको कहते हैं ताज ट्रपीजियम जोन। तो ये ताज ट्रपीजियम जोन के अंदर के ट्रीज कितने प्लांटेड है, क्या स्टेटस है, वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल डिमांड करी है इसका इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मीडिया में रिपोर्ट आई थी कि इलीगली अराउंड 4000 ट्रीज यहाँ पे गिराए गए और सेल किए गए थे। तो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एनजीटी अब क्वेश्चंस रेज कर रही है। तो ताज ट्रपीजियम जोन जो है अराउंड 10,400 स्क्वायर किलोमीटर का जोन है, इसके अंदर काफी सारे प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है, इवन 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ताजमहल तो है ही, उसके अलावा इवन आगरा फोर्ट और फतेहपुर सिकरी इस रीजन में आती है। ये ट्रपीजियम शेप में है और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी रेगुलेशंस लाया है, इवन यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज है ताज ट्रपीजियम जोन में उनको कोल कोक यूज करना अलाउड नहीं। तो यहाँ पे रेगुलेशंस लाए गए ताकि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है उनको पॉल्यूशन की वजह से वो सफर ना करे। फिर अगला है फ्रॉम ग्रीन टू येलो रेवोल्यूशन। तो ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी साइंटिस्ट जो है यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कनोला जो है, कनोला क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड नेम है, ये जो मस्टर्ड सीड ही है ये, जिसके अंदर यूरिसिक लेवल, यूरिसिक एसिड लेवल जो है वो कम होता है, लेस देन 2% होता है, इनको कनोला कहते हैं। तो ये कनोला का ऑयल लेवल जो कम होता है इसकी वजह से ये हेल्दी माने जाते हैं, तो ये काफी डिमांड में है, प्लस इंडिया में भी काफी डिमांड में और इंडिया इसको इम्पोर्ट करता है फिलहाल। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट कह रहे हैं कि इसके लिए हम पंजाब को ही यहाँ पे हब बना सकते हैं कनोला प्रोडक्शन के लिए और हम अपना इंपोर्ट भी कम कर सकते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट को भी कम कर सकते हैं। तो ये प्रपोज किया जा रहा है कि येलो रेवोल्यूशन होना चाहिए पंजाब में, तो ये ऑयल सीड के लिए रेवोल्यूशन। और ये मस्टर्ड वैसे भी न्यूज में, क्योंकि जीएम मस्टर्ड भी अब प्रपोज किया जा रहा है जेनेटिकली मॉडिफाइड, जिसके लिए जीएसी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी ने ऑलरेडी अप्रूवल दे दिया है, पर अब एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अप्रूवल के बाद ही वो आगे
उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। तो यहाँ पे वही है येलो रेवोल्यूशन, ये मस्टर्ड के लिए, कनोला के लिए प्रपोज किया जा रहा है। और मस्टर्ड फार्मिंग में एक चीज ये होती है कि यहाँ पे लेबर ज्यादा लगता है, क्योंकि हार्वेस्टिंग के टाइम पे भी वीडिंग की जरूरत होती है, वीड्स निकालने की, तो उसके लिए यहाँ पे लेबर लगता है। प्लस पंजाब में इसकी जरूरत भी है, क्योंकि पंजाब में भी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है, क्योंकि सॉइल, अगर एक ही क्रॉप आप ग्रो करते रहोगे तो सॉइल का जो न्यूट्रिएंट है वो चला जाता है। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से इवन सॉइल कंजर्व किया जा सकता है, मेंटेन किया जा सकता है उसकी फर्टिलिटी। तो पंजाब में रबी सीजन में भी वीटी ग्रो किया जाता है, तो फार्मर्स को यहाँ पे एडवोकेट करना चाहिए कि ये नए क्रॉप्स कनोला ये सो करे। पर कंसर्न्स ऑफ कोर्स ये है कि गवर्नमेंट यहाँ पे उनको भी प्रपोज कर, उनको भी यहाँ पे असिस्टेंस देना होगा फार्मर्स को, अश्योर्ड मार्केट होना चाहिए उनके लिए, इवन रिस्क फैक्टर्स कम किए जाएंगे तो ही फार्मर्स ये क्रॉप को अडॉप्ट करेंगे, तो वो भी कहा गया है। फिर अगला है 40 H1N1 डेथ्स इन 4 months। तो ये H1N1 इन्फ्लुएंजा, जिसको स्वाइन फ्लू कहते हैं, जो 2009 में काफी प्रोमिनेंटली हुआ था, तो ये तब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको स्वाइन फ्लू करके जो मीडिया में जो आया था, जो तो ये H1N1 के केसेस फिर से अब केरला में भी पाए गए हैं, अराउंड 40 deaths हो गई है। तो यहाँ पे इवन केरला गवर्नमेंट को अक्यूज किया जा रहा है कि वो स्टेप्स नहीं ले रहे इसको कंट्रोल करने के लिए, तो ये न्यूज में है। तो ये H1N1, ये स्वाइन फ्लू, तो दीज आर कॉल्ड दी होस्ट, तो ये इनके थ्रू फिर ह्यूमंस में जब ट्रांसमिट होता है, तो ह्यूमंस टू ह्यूमन ये ट्रांसमिशन होता है बाय कफिंग, स्नीजिंग, तो ये H1N1 फिर स्प्रेड होता है, तो ये एकदम एपिडेमिक जैसे हो गया था। तो ये है। फिर अगला है 220 डियर डाइड ऑन IIT मद्रास कैंपस इन 2 years। तो ये IIT मद्रास का कैंपस बहुत बड़ा है, अराउंड 236 acre कैंपस है ये, जो पहले इवन ब्यूंदी नेशनल पार्क का पार्ट था। तो यहाँ पे काफी सारे स्पीशीज भी पाए जाते हैं। तो जब एक RTI किया गया यहाँ पे, तो पता चला कि पिछले 2 सालों में यहाँ पे 220 डियर और 8 ब्लैक बक्स की डेथ हो चुकी है। तो ये शॉकिंग न्यूज आई है। ब्लैक बक एक्चुअली शेड्यूल 1 स्पीशीज है अंडर द इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1972। मतलब ये एंडेंजर्ड स्पीशीज मानी जाती है, इनकी प्रोटेक्शन के लिए स्टेप्स लेने चाहिए, और यहाँ पे IIT मद्रास कैंपस में इनकी डेथ हो रही है, तो ये सामने आया है। फिर अगला है कोबरा लिली ब्लूम्स आफ्टर 84 ईयर्स। तो ये है अरिसेमा ट्रांसल्यूसेंस। तो ये ट्रांसल्यूसेंस मतलब ये ग्लो करता है, तो ये इसको कोबरा लिली कहा जाता है इन कॉमन लैंग्वेज में। तो ये वेस्टर्न नीलगिरीज में पाया जाता है, एक बहुत लिमिटेड एरिया है, अराउंड 10 स्क्वायर किलोमीटर रीजन है नीलगिरीज में जहाँ पे ये पाया जाता है। तो नीलगिरीज में इवन तोदा ट्राइबल्स है, उनको भी इस प्लांट की इन्फॉर्मेशन है, दे कैन इवन लुकिंग एट इट्स ब्लूम वो बता सकते हैं कि रेनफॉल कब होगा, मानसून कब आएगा, ऐसे, तो वो यहाँ पे है। तो ये जो है अरिसेमा ट्रांसल्यूसेंस कोपरा लिली, यहाँ पे लास्ट जो कलेक्ट किया गया था वो था 1932 में। तो अब 84 साल बाद अभी फिर से यहाँ पे वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट ने यहाँ पे जो है इन्होंने यहाँ पे ये डिटेक्ट किया, तो ये पाया गया अरिसेमा। तो ये काफी एंडेंजर्ड हो गए हैं अभी, काफी कम है, इट कैन गो एक्सटिंक्ट ऑल्सो कहा जाता है। तो ये कोबरा लिलीज को यहाँ पे वाइल्ड में काफी कम है, तो इसीलिए इनके कंजर्वेशन के लिए भी स्टेप्स लेने चाहिए। और एक रीजन ये है कि कोबरा लिलीज जो है वो शोला ट्री के पैचेस के साथ ग्रो होते हैं, और शोला पैचेस भी अब डिसअपियर हो रहे हैं नीलगिरी से, इस वजह से ये कोबरा लिलीज भी सफर करते हैं। फिर अगला न्यूज आइटम है बिग बूस्ट फॉर भीम आर्मी। तो ये है भीम आर्मी एकता मिशन, ये रिसेंटली न्यूज में आई है, क्योंकि जो दलित एट्रोसिटीज के बारे में, दलित ठाकुर के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में यूपी में, तो इसके लिए एक प्रोटेस्ट भी लॉन्च किया गया, यहाँ पे जंतर मंतर में अनाउंस किया गया। तो यहाँ काफी सारे पार्टिसिपेंट्स आए, मोर देन 20,000 वो कहते हैं, भीम आर्मी का क्लेम है कि इतने सारे लोगों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया। तो ये जो है भीम आर्मी एक्चुअली जो है 2015 में एस्टेब्लिश की गई थी एक ही पर्पस के लिए, कि वो दलित को एम्पावर करेंगे थ्रू एडुकेशन। उन्होंने अराउंड 300 स्कूल्स एस्टेब्लिश किए ये सहारनपुर और एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स में, वो उनको चलाते हैं। यहाँ पे जब उन्होंने ये अनाउंस किया तो वो अब कह रहे हैं कि दलित एट्रोसिटीज जो हो रही है उसके अगेंस्ट आवाज उठाना जरूरी है। तो यहाँ पे ये न्यूज में। फिर अगला है मोदी लॉन्चेस न्यू प्रोजेक्ट्स इन कच्छ। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गुजरात में है, और यहाँ पे उन्होंने इवन फाउंडेशन ले किया फॉर न्यू फैसिलिटीज, कांडला पोर्ट में न्यू फैसिलिटीज डेवलप की जाएगी। उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि कांडला पोर्ट को अब चाबहार पोर्ट के साथ लिंक किया जाएगा, जो ईरान में इंडिया डेवलप कर रही है, तो यहाँ से फिर इंटरनेशनल ट्रेड को और बूस्ट मिलेगा। कांडला पोर्ट ऑलरेडी लार्जेस्ट कार्गो हैंडलिंग पोर्ट है इंडिया का,
वो तो है ही। और एक सजेशन रखा गया कि कांडला पोर्ट को रीनेम करना चाहिए आफ्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय, तो उनके सेंटेनरी सेलिब्रेशन चल रहे हैं, तो वो फेलिसिटेट करने के लिए ये प्रपोजल भी प्राइम मिनिस्टर ने रखा है। तो ये है, तो ये दीनदयाल उपाध्याय जो थे ये आरएसएस मेंबर थे। ही वाज इन द पीरियड 1916 टू 1968। ही इज नॉट अ फ्रीडम फाइटर, कोई भी फ्रीडम मूवमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था अंडर महात्मा गांधी। आरएसएस मेंबर थे, भारतीय जनसंघ के इंपॉर्टेंट लीडर थे, जो सक्सेसर उसकी है भारतीय जनता पार्टी। तो उन्होंने पॉलिटिकल फिलोसॉफीज रखी थी, जैसे इंटीग्रल ह्यूमनिज्म में वो बिलीव करते थे, तो मतलब इंटीग्रेटेड होना चाहिए बॉडी माइंड सोल, मतलब मटेरियल और स्पिरिचुअल इंटीग्रेटेड होना चाहिए, इंडिविजुअल और कलेक्टिव इंटीग्रेटेड होना चाहिए, तो वो मानते थे। सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी को प्रपोज करते थे, एंडोर्स करते थे, थ्रू विलेज विलेज बेस होना चाहिए और डेवलपमेंट होना चाहिए। तो उनकी डेथ अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस में हो गई, उनकी डेथ उनको बॉडी पाई गई एट मुगल सराय रेलवे यार्ड इन 1968। तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में। फिर अगला न्यूज आइटम है, नो रूम फॉर इंडिया येट इन एनएसजी चाइना। तो एनएसजी है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, तो ये 48 मेंबर्स की ग्रुप है, 48 नेशंस यहाँ पे है। तो ये ग्रुपिंग में इंडिया चाहती है कि वो भी मेंबर बने, तो ये ग्रुपिंग बनाई भी गई थी 1975, आफ्टर 1974 में प्रपोज किया गया आफ्टर इंडियाज न्यूक्लियर टेस्ट, जो पोखरान टेस्ट की हुआ था 1974, उसके बाद ही ये बॉडी बनाई गई। तो न्यूक्लियर सप्लायर्स रेगुलेट करने के लिए, तो ये एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम करके बनाया गया था। तो यहाँ पे इंडिया को भी इसकी मेंबरशिप चाहिए, और जो भी नए मेंबर्स आएंगे एनएसजी में तो वो कंसेंसस से आते हैं, मतलब सारे 48 मेंबर्स अग्री करेंगे तो ही नया मेंबर लाया जाएगा। और चाइना भी एनएसजी में मेंबर है, और चाइना इंडिया की मेंबरशिप को अपोज कर रहे हैं मेजरली, और भी अपोजिशन है पर चाइना इज अ मेजर अपोजिशन। और चाइना इंसिस्ट कर रही है कि जो भी एनपीटी सिग्नेटरी नहीं है कंट्री, उसका एनएसजी मेंबरशिप 2 स्टेज प्रोसेस में होना चाहिए, तो ये प्रपोज किया जा रहा है। तो एनपीटी भी क्या है हम देखेंगे। तो ये जो है एनएसजी मेंबरशिप 2 स्टेज प्रोसेस किया, कि एक स्टेज में ये डिसाइड किया जाए कि एनपीटी जिसने साइन नहीं किया उन कंट्रीज का एनएसजी मेंबरशिप कैसे किया जाएगा, क्या प्रोसीजर होना चाहिए, और दूसरा कंट्री स्पेसिफिक, आप एक एक कंट्री के बेसिस पे डिसाइड करो कि इनको मेंबरशिप मिलनी चाहिए या नहीं। तो इंडिया चाहती है एनएसजी मेंबरशिप, एक्चुअली हमारे पास डिफैक्टो मेंबरशिप स्टेटस है, मतलब जो भी फैसिलिटीज है इसकी वो ऑलरेडी हमको मिल चुकी है थ्रू यूएस। तो आफ्टर इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील हमको ये एनएसजी वेवर भी मिल चुका है, तो वो हमारे पास है, पर हम फॉर्मली एनएसजी का भी मेंबरशिप बनना चाहते हैं। तो इससे हम भी न्यूक्लियर सप्लायर कैटेगरी में आके हम भी अपना सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वगैरह यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, न्यूक्लियर ट्रेड, तो उसके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा इंडिया के लिए। और यहाँ पे एनएसजी लास्ट ईयर न्यूज में थी, क्योंकि एनएसजी मीटिंग थी तो ये डिस्कस किया गया था, फिर से एनएसजी मीटिंग होगी जून 2017 में बर्न स्विट्जरलैंड में, तो फिर से ये न्यूज में आया है, ये काफी पुराना इशू है। और चाइना का मेन पर्पस ये है कि वो चाहते हैं कि इंडिया अगर मेंबर बने तो पाकिस्तान भी मेंबर बने, और इंडिया पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर वेपन स्टेट है डिफैक्टो, पर उनको न्यूक्लियर वेपन स्टेट स्टेटस नहीं दिया गया। तो ये जो एनपीटी ट्रीटी साइन करने की बात जो हो रही है, चाइना इंसिस्ट कर रही है, तो ये न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है वो ये है कि प्रोलिफरेशन ना हो, मतलब स्प्रेड ना हो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, तो ये ट्रीटी के अंदर प्रोविजन है उसके लिए। पर हम कहते हैं कि एनपीटी जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी है, क्योंकि इसके अंदर दो कैटेगरीज है, एक है न्यूक्लियर वेपन स्टेट और नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट। तो न्यूक्लियर वेपन स्टेट जो रिकोगनाइज है वो 5 ही है, यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना एंड रशिया। और इंडिया पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स है पर उनको न्यूक्लियर वेपन स्टेटस नहीं दिया गया है, तो इसीलिए हम एनपीटी साइन नहीं करते कि ये डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी, मतलब जिनके पास है वो तो यूज करेंगे, उनके पास होगा, जिनके पास नहीं है वो प्रोलिफरेट ना करें। तो हम नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेटस स्टेट्स की कैटेगरी में आके ये साइन नहीं करना चाहते। तो बस अब जो है स्टेटस ये है कि एनएसजी और एनपीटी का लिंकेज है कि नहीं वो भी एक क्वेश्चन है। तो इंडिया कहती है कि एनएसजी और एनपीटी का कोई लिंकेज नहीं है, क्योंकि फ्रांस ने भी एनएसजी मेंबरशिप अक्वायर की थी, उन्होंने भी एनपीटी नहीं साइन किया था और एनएसजी मेंबरशिप अक्वायर की थी। तो ये हम इंसिस्ट कर रहे हैं, हम कहते हैं कि एनएसजी जो है वो एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम है, उनका नॉन प्रोलिफरेशन ग्रुप नहीं है, उनको उसका कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए, पर चाइना फिर भी अपोज कर रही है। तो देखेंगे आगे क्या डेवलपमेंट होते हैं। तो ये सारे एनएसजी मेंबर्स, 48 मेंबर्स। फिर अगला न्यूज आइटम है, प्रधान सीक्स डिस्काउंट ऑन ऑयल। तो ये है पेट्रोलियम मिनिस्टर मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, तो वो ओपेक
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये ओपेक ग्रुपिंग को कह रहे हैं कि एशियन प्रीमियम जो वो क्रूड ऑयल पे लेते हैं उनको वो स्क्रैप करना चाहिए। तो एशियन प्रीमियम मतलब क्रूड ऑयल जब इंडिया और एशियन बायर्स को सेल किया जाता है तो उनको एक प्रीमियम अमाउंट भी भरना होता है। तो पेट्रोलियम मिनिस्टर कह रहे हैं कि रादर देन एशियन प्रीमियम आपको एशियन डिविडेंड देना चाहिए, मतलब डिस्काउंट देना चाहिए, क्योंकि हम एशियन बायर्स इंडिया के लिए भी, वो कह रहे हैं कि इंडिया ने हमेशा अश्योर्ड बायर है, हमारा काफी सारा इम्पोर्ट जो है मेजर इम्पोर्ट कमोडिटी जो है वो क्रूड ऑयल ही है, तो हम इतना क्रूड ऑयल बाय करते हैं प्लस हम रेगुलरली पे करते हैं तो हमको डिविडेंड मिलना चाहिए रादर देन टेकिंग अ प्रीमियम। तो ये है कि वो कह रहे हैं कि वेस्टर्न बायर्स को काफी टाइम तक ओपेक मेंबर्स ने सब्सिडाइज किया है द कॉस्ट ऑफ एशियन बायर्स, तो अब ये स्टॉप करना चाहिए, तो ये डिमांड किया जाए। ओपेक क्या है? ओपेक एक कार्टल जैसे, तो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है ये, तो ये रेगुलेट करते हैं कि पेट्रोल प्राइसेस कैसे, तो पेट्रोल क्रूड ऑयल प्राइसेस तो मार्केट रेगुलेटेड है पर मार्केट रेगुलेटेड भी डिमांड सप्लाई के बेसिस पे, तो ये डिमांड सप्लाई रेगुलेट करते हैं, तो सप्लाई इनके हाथ में, तो ये डिसाइड करते हैं कि कितना प्रोड्यूस करना है ऑयल, कितना मार्केट में लाना है ऑयल, तो ऐसे वो हर एक को कंट्री को डिसाइड किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है उनको कितना प्रोड्यूस करना है, तो ये ओपेक कार्टल है। ये मेंबर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं मिडिल ईस्ट के नेशंस है प्लस इवन टू ऑफ साउथ अमेरिका और फोर कंट्रीज फ्रॉम अफ्रीका, ये सब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक के मेंबर्स है। इंडोनेशिया भी पहले मेंबर थी पर अब इंडोनेशिया मेंबर नहीं है क्योंकि वो ऑयल प्रोड्यूस नहीं है, उनके पास कैपेबिलिटी ऑयल प्रोड्यूस नहीं करते, तो इम्पोर्ट करते हैं ऑयल। फिर अगला न्यूज आइटम है जापान लुक्स बैक एट अ वॉर थिएटर। तो हमने कल डिस्कस किया था कि जापान एम्बेसडर ने कहा कि जापानीज सोल्जर्स जिनकी डेथ हो गई, अराउंड 20,000 प्लस सोल्जर्स जिनकी यहाँ डेथ हो गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, जब जापान ने इंडिया में मणिपुर नागालैंड में यहाँ इन्वेट किया था विद अलॉन्ग विथ इंडियन नेशनल आर्मी, तो इस टाइम पे जो डेथ हुई थी वो उनके लिए जापानीज सोल्जर्स के लिए एक वॉर म्यूजियम उनकी याद में बनाना चाहिए। तो ये जब प्रपोजल आया तो मणिपुर गवर्नमेंट ने भी उसको सपोर्ट किया है, पर और एक पॉइंट जो सामने है जो निग्लेक्ट नहीं की जा सकती, वो ओवरलुक नहीं कर सकते, वो ये है कि जब जापानी सोल्जर्स यहाँ पे उन्होंने अटैक किया था तो यहाँ पे काफी सारी एट्रोसिटीज उन्होंने कमिट की थी अगेंस्ट मणिपुरियन नागालैंड पॉपुलेशन, तो वो एक कंसर्न पॉइंट भी है जो हम हाईलाइट करना चाहते हैं। इवन आईएनए के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन था, मतलब इंडियन नेशनल आर्मी के जो सोल्जर्स थे और जो जापानीज सोल्जर्स थे तो वो दोनों मतलब साथ में नहीं काम कर रहे थे, उनके अगेंस्ट भी वो एट्रोसिटीज करते थे जापानी सोल्जर्स। तो इवन इसके लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान मिस्टर शिंजो आबे ने एक अपोलॉजी भी एज सच दी थी 2016 में, तो वो भी हाईलाइट की जा रही है कि वी हैव ऑलरेडी अपोलोजाइज्ड एज सच टू, पर अब जापान में कई टाइम तक जापानी सोल्जर्स के ऊपर कोई प्रोमिनेंटली इनको इमोर्टलाइज करना चाहिए, मेमोरी होनी चाहिए इनकी, मेमोरेबलाइज करना चाहिए, वो एम्फसाइज नहीं किया गया क्योंकि जापान वर्ल्ड वॉर टू में एलाइड पावर्स के अगेंस्ट फाइट कर रही थी अलॉन्ग विथ एक्सिस पावर्स, मतलब हिटलर्स जर्मनी एंड मुसोलिनीज इटली, उनको सपोर्ट कर रही थी, उनके साथ फाइट कर रही थी, तो इसीलिए वो यहाँ पे ज्यादा एम्फोसाइज नहीं कर रहे थे। पर अब जापान में नेशनलिज्म और स्ट्रांग हो गया है और अब यहाँ पे स्टॉक्स है कि हमको अपने सोल्जर्स को रिकोगनाइज करना चाहिए, तो इसीलिए ये म्यूजियम भी अब एस्टेब्लिश किया जाएगा इंडिया में। फिर अगला न्यूज आइटम है आर्मी सेट टू गेट 11 अपाचे हेलीकॉप्टर्स। तो ये अपाचे हेलीकॉप्टर्स हम अक्वायर कर रहे हैं फ्रॉम यूएसए, अपाचे हेलीकॉप्टर जो है वो अटैक हेलीकॉप्टर्स है और दूसरे चिनूक ये हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स है, तो इसके लिए $3 बिलियन डील हमने यूएस के साथ साइन किए थ्रू फॉरेन मिलिट्री सेल्स प्रोग्राम। तो यहाँ पे इशू ये है कि इंडियन आर्मी मांग रही है कि अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स उनको दिए जाए उनकी आर्मी विंग के लिए, उनकी मतलब एयर विंग के लिए, तो आर्मी को एयर विंग क्यों चाहिए, मिनी एयर विंग क्यों चाहिए, इसके लिए इंडियन एयरफोर्स इनको अपोज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फिर इंडियन एयरफोर्स का सिग्निफिकेंस कम हो जाएगा, तो इसीलिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने भी आर्मी का जो पूरा डिमांड था 22 अटैक हेलीकॉप्टर्स का वो नहीं एक्सेप्ट किया, पर 11 अपाचे हेलीकॉप्टर्स आर्मी को भी दिए जाएंगे और एयरफोर्स को भी 22 हेलीकॉप्टर्स दिए जाएंगे, तो ये डिसाइड किया गया है। और इवन रुद्र हेलीकॉप्टर्स जो है ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड रुद्र हेलीकॉप्टर्स, तो ये वेपनाइज्ड वर्जन है, आर्म्ड वर्जन है ऑफ एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स ध्रुव, जो ध्रुव हाल ने बनाई थी वो उसको वेपनाइज करके जो हेलीकॉप्टर्स बने उनको रुद्र कहा जाता है, तो इसके भी ऑर्डर्स आर्मी और एयरफोर्स ने भी दिए, तो वो यहाँ पे न्यूज में है। फिर अगला है आरबीआई आउटलाइंस एक्शन प्लान फॉर रिजॉल्विंग स्ट्रेस्ड एसेट्स। तो स्ट्रेस्ड एसेट्स रिजॉल्व करने के लिए ऑलरेडी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 ये
पार्लियामेंट ने पास कर दिया है, तो अब इसको इफेक्टिव करने के लिए आरबीआई ने प्रपोज किया है कि एक क्रेडिट रेटिंग की जाएगी। मतलब जो भी इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन केसेस उनके सामने आएंगे तो उनका एक क्रेडिट रेटिंग किया जाए। तो ये क्रेडिट रेटिंग भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से किया जाए या आरबीआई कहती है खुद ही करे, नहीं तो जो कंपनीज वगैरह है वो रेटिंग शॉपिंग के लिए चले जाएंगे, यहाँ पे नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आ सकता है। इसीलिए ये क्रेडिट रेटिंग वो शायद आरबीआई खुद ही करेगी, और उसके बाद इस क्रेडिट रेटिंग के बाद उस केस का एनालिसिस किया जाएगा। जो ओवरसाइट कमिटी होगी वो इनको देखेगी, तो ओवरसाइट कमिटी प्रेजेंटली है तो उनको एक्सपांड किया जाएगा और मेंबर्स लाए जाएंगे, क्योंकि काफी सारे केसेस है जो केस बर्डन है, उस हिसाब से ये बॉडी एक्सपांड करके ये स्टडी करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी ये जो रेजोल्यूशन केसेस है उनके क्या एक्शन लेना चाहिए। तो आरबीआई ने ये पूरा एक्शन प्लान सामने रखा है कि स्टेप्स लिए जाएंगे। फिर अगला है स्मॉलेस्ट नेशन ज्वाइन सोलर अलायंस, तो ये है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो ये प्रपोज किया गया था बाय इंडिया एट COP21 इन नवंबर 2015, जो यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस था उधर। तो ये जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो हम एक ग्रुपिंग चाहते हैं कि जो ट्रॉपिकल रीजन में जो कंट्रीज है तो सोलर एनर्जी वो फ्रूटफुली यूज कर सकते, तो कोलैबोरेट करे, कॉपरेट करे, इवन फंडिंग उनको दी जाए, प्रोवाइड की जाए, ताकि वो सोलर पावर एफिशिएंटली एक्सेस कर सके। तो ये प्रपोज किया गया, इवन इसका जो आईएसए का बॉडी बनाया जाएगा तो वो फंक्शन करेगा फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी गुड़गांव। तो ये इंडिया ने प्रपोज किया, यहाँ पे उनका हेडक्वार्टर होगा। तो ये प्लान है, इवन वर्ल्ड बैंक ने भी इसके लिए असिस्टेंस एंश्योर किया है, और यहाँ पे ऑलरेडी 121 कंट्रीज ने साइन किया है, अब 6 नेशन ने रेटिफाई भी किया है। तो ये है नाउरू, तो ये छोटा सा आइलैंड नेशन है, तो ये इन्होंने भी अब रेटिफाई किया इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो ये न्यूज में है, स्मॉलेस्ट नेशन ज्वाइन सोलर अलायंस। तो ये इक्वेटर के पास है ऑलरेडी, 30% नाउरू अपना जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है वो सोलर एनर्जी से ही फुलफिल करते हैं, और वो टारगेट कर रहे हैं कि 50% एनर्जी प्रोडक्शन रिन्यूएबल सोर्सेज से हो बाय 2020, तो उनका टारगेट है। तो ये तो अब 15 कंट्रीज रेटिफाई कर लेगी, फिर ये फ्रेमवर्क अग्रीमेंट जो है वो लीगल एंटिटी बन सकता है। अब हम देखेंगे आगे, और भी है न्यूज के, जो अफ्रीकन नेशन है उनको भी हमने सोलर प्रोजेक्ट्स फाइनेंस करने के लिए कमिटमेंट दिया है, लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड की है। तो ये यहाँ पे जो अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक की मीटिंग भी अब होने वाली है इंडिया में, गुजरात में, तो वहां पे भी एक्सपेक्टेड है कि अराउंड 5 अफ्रीकन नेशन भी इंटरनेशनल सोलर अलायंस ज्वाइन करेंगे, तो मेंबरशिप बढ़ेगी। और फिर लास्ट न्यूज आइटम है इंडिया बिकम्स सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर। तो अब हमारा स्टेनलेस स्टील प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है और चाइना के बाद सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर पहले जापान था, अब इंडिया ने उनको ओवरटेक किया। तो 2016 का ये डेटा सामने लाया गया। तो यही है न्यूज आइटम्स, थैंक यू।